हेलो फ्रेंड्स, जगदीत बेदी हियर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम फेस मास्क की चैन बनाएंगे अपने बुजुर्गों के लिए, या साधु संतों के लिए, या सेंत पुरुषों या सन्यासिनी लोगों के लिए। वो एक ही कलर में पहननी पसंद करते हैं, और कलर उनके इस तरह के होते हैं, जैसे वाइट हो गया, लाइट हो गया, लाइट येलो हो गया, लाइट इस तरह के बाबा कलर हो गया, इस तरह में वो इस तरह के कलर्स में वो चेन पहनना पसंद करते हैं। तो ये मैंने वाइट बीड्स लिए और कॉटन की डोरी लिया, उसमें मैंने आपके सामने इस तरह से डाल ली हूँ। ये डालने बड़े आसान है। वो ये जो डोरी है वो कॉटन की है, प्योर और मोटी डोरी है। एक तरफ मैंने ये कुंडा लगा दिया मास्क का, एक तरफ मैंने ये जितनी लंबाई चाहिए उतने बीड्स डाल दिए, और मैं दूसरे कुंडा इसमें लगाने जा रही हूँ। इसको कुंडे को बिल्कुल पास ले जाएंगे और ऐसे दो तीन बार घुमाएंगे, और फिर इसको यहाँ पर नॉट लगा देंगे। लंबाई आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। बिल्कुल तसल्ली से कीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी का काम नहीं होता, ये बीड्स का काम होता है। बिल्कुल पास रखकर आपने नॉट लगानी है इस तरह से। ये आपने नॉट लगा दी, दो बार नॉट काफी है, क्योंकि ये बहुत मोटी डोरी है, कॉटन की प्योर डोरी है। आपने इस तरह से काट दिया, और आपने इस तरह से इसके मास्क में रिंग डाले हुए, मैंने मास्क के रिंग में इसको लगा दिया इस तरह से। जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे साधु सन्यासी हैं, वो एक ही कलर की डोरी को पहनना पसंद करते हैं। या तो वो धागा डोरी पहनेंगे, या एक ही कलर के बीड्स हों इस तरह से। अगर उन्होंने पहनना है कुछ खाना पीना, तो इस तरह से सोफिस्टिकेटेड सा रहता है उनके लिए। आप देख सकते हैं, ये बनानी बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह का ये मैंने दूसरा कलर लिया हुआ है, ये लाइट येलो या फिर ऑफ वाइट या फोन कलर, इस तरह के कलर उनको पसंद आते हैं। ये बीड्स मैंने आपके सामने डाले हैं, है ये प्योर कॉटन की डोरी है, और पूरा इसको यहाँ तक सरका देना है, पहले बीड्स तक, और फिर ये कुंडा लेकर कुंडे के रिंग में इसको डाला, और बिल्कुल लास्ट बीड के पास तक ले आए, और इसको इस तरह से एक दो बार घुमा दें, ताकि धागा अपनी ग्रिप पकड़ ले और मोटी बीड्स हमारे सरक ना पाए। इस तरह से आपने दो बार नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद आपने इसको यहां से काट देना है। और ये मास्क लेकर मास्क के रिंग में आपने इस डोरी के लॉक को लगा देना है इस तरह से। मुझे जो बता हुआ धागा है ये मैंने काट दिया था, अब मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। ये इस तरह से रहता है। अगर अपने उन्होंने मास्क नहीं पहना, कुछ खाना पीना है, तो वो इस तरह से हटा सकते हैं। आप कलर देख रहे हैं कितने प्यारे कलर हैं। ये कलर थोड़े से बैराग लिए हुए कलर हैं। आप तीसरा कलर भी दे सकते हैं, बाबा कलर। इस कलर की शादी सन्यासियों में इस कलर का ड्रेस भी पहना होता है, उनकी भगवा, इसको भगवा बोल सकते हैं हम हिंदी में। पूरे बीड्स को आप किनारे तक सरका दें भगवा कलर में। इसे अगर हमारे हिंदुस्तान में बोला जाए तो भगवा कलर बोलते हैं। इस तरह से आपने एक दो बार इसको घुमाया और फिर यहाँ पर नॉट लगा दी। अब ये आपके बीड सरकेंगे नहीं, आपने जो घुमा लेते हैं एक बार तो उससे बीड स्टेबल हो जाते हैं, धागा स्टेबल हो जाता है। आपने दो बार नॉट लगा दी इस तरह से, और पास से इसको काट दिया। अब आपने ये लिया मास्क, मास्क में जो रिंग लगे हैं, जो लोग चैन लगाते हैं मास्क में, जो चैन के साथ मास्क पहनना पसंद करते हैं, उनके मास्क में रिंग लगा होता है, पतला पतला रिंग लगा लेते हैं वो, इस तरह के रिंग्स होते हैं, वो पतले पतले रिंग लगा कर रखते हैं, ताकि उसमें कभी भी चैन लगा दें और कभी भी निकाल दें। ये इस तरह से होती है, और जब उन्होंने नहीं पहननी है तो इस तरह से ये रिंग्स, ये वाले बीड्स का कलर आप देख रहे हैं, बिल्कुल भगवा कलर है, सन्यासियों वाला कलर। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बनानी आसान है, तीनों पास से देख सकते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो ग्रैंड पा, ग्रैंड मदर, या सन्यासी या ऋषि मुनि, इस तरह के कलर्स को पसंद करते हैं। आपके घर में भी ग्रैंड पा, ग्रैंड मदर होंगे, उनके लिए इस तरह की बनाइएगा। गुड लक।